व्यक्ति जब तक सुपर पावर खुद को बने रहेंगे और प्रकृति और परमात्मा के साथ छेड़छाड़ जब तक व्यक्ति का होता रहेगा, तब तक आज़ादी के बाद जितने बार भी सदन में हर साल दो बार चर्चाएं, कोई भी निराकरण इस सदन में नहीं हो सकता है जब तक कि व्यक्ति खुद प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा। मैं किसी भी तरह के चीज़ों से भाषण देने से पहले मैं सिर्फ कुछ बातों पर आकृष्ट करना चाहूँगा। 22% हिंदुस्तान में बाढ़ की स्थिति है और उसमें 16% सिर्फ बिहार है। 22 में 16% बिहार प्रभावित करती है। पूरे देश में 22% बाढ़ से प्रभावित है और उसमें 16% सिर्फ बिहार। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आग्रह करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यहां बैठी हैं, '54 और 1997 अंग्रेज के समय में राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके समय में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में यह तय किया गया था कि किसी भी नदी पर बांध निराकरण नहीं है। उन बातों को सरकार जब से आई तब से बहुत गंभीरता से नहीं ध्यान दिया। उसके बाद लगातार जो स्थिति बनी है बिहार की, मैं सिर्फ उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय, कैसे आप बचाएंगे? इस बाढ़ से कितने लोग मरते हैं, यदि आंकड़ा में आंकड़े में जाऊँगा तो फंस जाऊँगा। प्रत्येक साल सिर्फ बिहार में बाढ़ से 1200 से 1300, 88 में 874, कभी 1200, कभी 200, कभी 300 जान माल की हिफाजत, ये व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ। और आज़ादी के बाद इतने बार बहस होने के बावजूद भी मिला क्या लोगों को? पुनः एक बार बहस इस सदन में हो रही है। क्या इस बहस से इस देश के आम लोगों को क्या कुछ निजात मिल सकता है? मुझे तो नहीं समझ में आता है किसी भी तरह के निजात का। लेकिन हम सुझाव देना चाहेंगे, उसमें हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि ऐसे उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाए जो सीधा प्राकृतिक वातावरण को क्षति पहुंचाता है। दूसरा आग्रह करेंगे कि आकाश में जो भी अनुसंधान हो रहा है उस अनुसंधान से जल प्रभावित ना हो, इस अनुसंधान को भारत सरकार के मंत्री महोदय ध्यान में रखें। तीसरा आग्रह करेंगे कि जो भी शिक्षा इस देश में बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है, उसमें प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर दुष्परिणाम हो रहा है उसका ध्यान उस शिक्षा में जरूर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी इसको समझ सके, ताकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करे, जिसके कारण आज जो उत्तराखंड या पूना की जो भयंकर स्थिति आई है, ये क्या, यह तो व्यक्ति की ही निजात का कारण है। उत्तराखंड जैसी विभीषिका या पूना जैसी विभीषिका, क्या ये परमात्मा या प्रकृति के कारण आई है? व्यक्ति ने जब जब छेड़छाड़ किया है किसी चीज़ों को, तब तब उत्तराखंड और पूना जैसे प्रकोप इस देश में कब कब होते रहे? क्या इस पर गंभीर चर्चा नहीं होनी चाहिए? दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो अत्यधिक पानी और बारिश के कारण जो समुद्र में चला जाता है, मेरे यहाँ दो स्थिति है अध्यक्ष महोदय। एक है उत्तर बिहार जिसमें 3 हिस्से बाढ़ से प्रभावित है और 1 हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित है, दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार के पानी को यदि भारत सरकार, कृषि मंत्री बैठे हैं, उस पानी को यदि दक्षिण बिहार में लाने की व्यवस्था करे तो हमारे यहाँ बाढ़ का की जो विकराल स्थिति है जो आज तक होता रहा है वह कम होगी और दक्षिण बिहार सिंचित होगा, जो सुखाड़ से बचा होगा। और हम दोनों से प्रभावित हैं, सुखाड़ से अत्यधिक प्रभावित हैं और बाढ़ से। तो शायद इतिहास है हमारा कि हम शुरू से आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक अत्यधिक प्रभावित हम हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जब जापान जैसे देशों में समुद्र के खारी पानी को मीठा करके सिर्फ पीने के लिए ही नहीं खेती की व्यवस्था की जा सकती है, तो हमारे देश में दुनिया का सबसे अत्यधिक मीठा पानी है और उस मीठे पानी
को हम पीने के तो छोड़ दीजिए, वह मीठा पानी समुद्र में चला जाता है, क्या सरकार उस मीठे पानी को पहाड़ों पर या ऐसे जगहों पर रोकने की कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे हमारा हमारी जमीन तो सिंचित हो ही, हम जो नीचे के पानी को ला करके जमीन की सिंचित योजना कर रहे हैं, क्या आप भयंकर परिणाम दुष्परिणाम के लिए आप क्या जो ये पानी पर जो पेट्रोल के बाद जो पूरी दुनिया में पानी पर क्रांति होगी, हाहाकार होगा, क्या भारत सरकार क्या उस परिणाम के लिए भुगतने को तैयार है? जब वर्षा के पानी को हम रोक नहीं सकते और उसको हम पहाड़ों पर नहीं रोकने की व्यवस्था करें, हम नदी तालाब मेरे बंद होते चले गए, हमने सारी चीज़ों को, आज जो पैर कटाई को रोकने की व्यवस्था नहीं है, बादल क्यों नहीं आ पाता है, क्यों बारिश हमारे यहाँ सुखार हो रही है, बादल नहीं है, गर्मी के तापमान से बादल चली जाती है, आने के बावजूद भी चली जाती है। तो ये जो परिणाम है, क्या नीचे के पानी से ही सिंचित होगी कि बारिश के पानी पर अत्यधिक हम भार देंगे ताकि हम इस हिंदुस्तान की खेती को बारिश के पानी से व्यवस्था कर सकें? तो ये जो कुछ व्यवहारिक मुद्दे हैं, आंकड़े में नहीं जाकर, हम किसी भी चीज़ों के आंकड़े में नहीं जाकर, हमारी सरकार जब भी रही है, इसके पूर्व भी जिसकी भी सरकार बिहार में रही, नीतीश कुमार जी की सरकार रही, लालू यादव जी की सरकार रही, बिहार की स्थिति को कमोबेश हमेशा भारत सरकार से अपनी सारी योजनाओं को देने का काम किया, उसमें हाई डैम है, सप्त डैम है, और लगातार कई बार एमजे अकबर के समय में भी, कांग्रेस के समय में भी कई बार मीटिंग हुई, नेपाल अभी हमारे मंत्री जी गए हुए थे, सुषमा स्वराज जी वहां गए, तो क्या उन्होंने 20 करोड़ रुपया बिहार सरकार देती है नेपाल सरकार को प्रत्येक साल डैम को रखरखाव के लिए, हम देते हैं, भारत देती है, और उसके बाद नेपाल सरकार बाढ़ को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी यदि कुछ है तो वो है कोसी, वर्ल्ड की, विश्व की, और वो कोसी नेपाल से निकलती है और गंगा में आकर के कमला है, गंडक है, बलान है, महानंदा है, और उससे प्रभावित बांका से लेकर भागलपुर, खगड़िया से लेकर के शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, मतलब आप इस बात को समझ लें अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि हम लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं इस बाढ़ की स्थिति में। 6 महीने से 4 महीने तक हम हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इधर 2 सालों से सुखार की स्थिति है, 60% भी बारिश की स्थिति इस साल बिहार में नहीं हो पाई, 60% भी, और स्थिति इतनी विदारक है, खासतौर पर आप दक्षिण बिहार में चले जाइए, सासाराम, गया के इस इलाके में, तो किसानों की स्थिति के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं, अभी केला पर हमारे मित्र बोल रहे थे, अन्य चीजों पर बोल रहे थे, किसानों के बारे में बोलने का हक शायद इस सदन के सांसदों को नहीं रह गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में हर साल किसानों पर और गरीबी पर बहस होती है, सबसे बदतर स्थिति इस हिंदुस्तान में किसी की है तो वो गरीब है, वो आम आदमी है, और उससे भी जो सबसे बदतर स्थिति किसी की है तो हिंदुस्तान में किसानों की है, उस पर आंकड़े आते रहते हैं, आंकड़े में मैं जाऊं उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि क्या हिंदुस्तान की सरकार, इस सदन में बैठे जो लोग हैं, जो 70-72% सांसद कहीं ना कहीं किसान का बेटा है, क्या किसान के प्रति इस सदन की कोई चिंता है? क्या किसान बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित होकर के किसान समाप्त हो जाता है? क्या बिहार सरकार के लिए कृषि मंत्री जी कोई ऋण माफ करने की आपकी योजना है किसानों के लिए? क्या किसानों को योजना देने के लिए, चाहे वो केला का हो, चाहे जूट का हो, चाहे वो, जी लास्ट करता हूँ एक दो मिनट के अंदर, क्या वो पाट का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे धान का हो, आप जानते हैं धान कोसी की सबसे इतिहास में धान हो, पान हो, मखान हो, ये इतिहास है हमारा, हम विश्व को खिला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय, यदि बाढ़ की स्थिति अच्छी हो जाए तो सिर्फ कोसी की धरती मध्य प्रदेश को सालों भर, पांचों साल, जिंदगी भर इतना अनाज दे सकती है कि मध्य प्रदेश सिर्फ बिहार के उस कोसी की धरती, मिथिला की धरती से अब उस अनाज के द्वारा हम वहां के आम आदमी को भोजन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद भोजन के लिए आज ललायत है, तवा हैं, हमें कांखोर डांखोर, हम सुंठी मछली, हम वो पेक्चा का साग, वो जंगली साग खा करके हम अपने जीवन को बिताते हैं, और लेकिन आजादी के बाद हमारे तरफ ध्यान देने की किसी ने कोशिश नहीं की। मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू जरूर जी, थैंक यू, बस एक मिनट में, मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपसे आग्रह अध्यक्ष महोदय, कि 17 अगस्त 2004 और 2009-13
3300 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने एक योजना बना करके आपको दी थी, हाई डैम। हाई डैम के बाद सप्तकोसी डैम बनने की योजना बनी थी। यदि वो बनती है तो कितना मेगावाट बिजली पैदा होगा, कितना हमारे 11,000 वर्ग किलोमीटर कृषि जो भूमि संरक्षित और इस आपके हाई डैम से। क्या आज तक हाई डैम के लिए आज़ादी के नेहरू जी से लेकर के आज तक सारे सवाल उठते रहे, क्या हाई डैम बनाने की या सब डैम कोसी पर बनाने की कोई योजना आपकी है? सर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नाउ। नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय। नहीं नहीं, श्री हुकुमदेव नारायण सिंह जरब, प्लीज 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 प्लीज, हो गया हो गया हो गया, प्लीज आप बहुत बोल दिए, कंक्लूड। लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे इलाके में सिर्फ आपसे कहूंगा कि अभी नवहट्टा प्रखंड पूरा जलमग्न है, कटाव हो गया है, 20 गांव समाप्त हो गए हैं और 400 आदमी अभी मरे। हम परसों 9 से डूबते डूबते बचे हैं। हम आग्रह करेंगे भागलपुर के कटाव से लेकर के मनिहारी, भागलपुर और नवहट्टा कोसी का जो कटाव और सुपौल में जो कटाव की स्थिति है, उस कटाव के लिए सरकार क्या कर रही है, कोई योजना बना रही है कि नहीं गांव को बचाने के लिए, और वहां के जो आम लोग हैं उसके रख रखाव और उसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है कि नहीं, और बिहार की अंतिम बिहार की सरकार ने जो भारत सरकार से मांग किया है वहां के किसानों और बाढ़ और सिंचाई पर क्या